ओ भाई ये देखिए अभी तक खोल रहा है पूरा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग हो रहे हैं 8 o'clock। दोस्तों आज आपका भाई सुबह से एक ब्लॉग शुरू कर दिया क्योंकि भाई आप लोग के लिए कुछ स्पेशल कवर करने हम अपने शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं गोरखपुर, आप लोग के लिए कुछ स्पेशल कवर करने वाले हैं। हमें कुछ स्पेशल चीज़ का पता चला है और दोस्तों खासकर गोरखपुर वालों के लिए भी है और जो लोग गोरखपुर जाते रहते हैं उनके लिए भी है। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए अच्छे अच्छे। और दोस्तों अभी तक अपने भाई से नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दिया हुआ उसको दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन दिया उसको दबा देंगे तो दोस्तों मेरा जो भी वीडियो होगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं शुरू और दोस्तों पूरा ब्लॉग देखिए, पूरा इंजॉय कीजिए और दोस्तों पूरी जानकारी लीजिए। दोस्तों हम निशान भाई पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। दोस्तों आज हम लोग को बहुत मन था कि हम लोग हांडी चिकन खाएं। जी हाँ दोस्तों, आज मटन वगैरह खाने का नहीं मन था, आज मन था कि हम लोग हांडी चिकन खाएं। तो हम लोग आ गए गोरखपुर में और पता मैं पहले आपको बता देता हूँ, पता है सिटी मॉल। देखिए सिटी मॉल आपको दिख रहा है, गोरखपुर सिटी मॉल ठीक बगल में है, यहाँ पे JK चिकन कार्नर। और आज हम आए हैं यहाँ का फेमस हांडी चिकन खाने। जी हाँ दोस्तों, मटन भी बहुत फेमस है, ये देखिए कुल्लड़ में दिया जाता है इसमें, और बगल में ये है कालिका होटल भी। तो आज हम कालिका का नहीं ट्राई करने वाले हैं, कालिका होटल का ट्राई करने हम एक बार आजमगढ़ जाएंगे, जो ओरिजिनल कालिका होटल वहाँ ट्राई करेंगे। ये तो सब मतलब वही मतलब सेम ही देते हैं लेकिन वहाँ का हम ट्राई करेंगे, जो मेन ब्रांच जहाँ से शुरुआत हुआ है वहाँ का। तो आइए हम चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं आप। भैया इसका ओरिजिनल क्या नाम है आप लोग के हिसाब से, इसका ओरिजिनल क्या नाम है इसका, इसको क्या कहते हैं आप ओरिजिनल इसी को? डोसा, 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 कोसा। अच्छा कोसा। तो वही आपके पास क्या क्या है? चिकन है, मटन है। अच्छा ये मटन बना रहे हैं। अच्छा और एक पीस है चिकन लॉलीपॉप है। अच्छा और चिकन टिक्का है, हांडी चिकन है, हांडी मटन है, और दम बिरयानी है। तो आज हम लोग हांडी चिकन ट्राई करने वाले हैं, तो आज एक हांडी चिकन लगाइए हमारे लिए। तो फाइनल तो हम निशान भाई आ गए रेस्टोरेंट के अंदर, JK चिकन कॉर्नर के अंदर। भाई ये इनका सिटिंग स्पेस है और देख सकते हैं, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, कालिका से भी ज़्यादा यहाँ पे तो क्राउड होता है, लेकिन अभी हम लोग सुबह के टाइम आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा अभी खाली है, पर तो भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये इनका मेनू कार्ड आप लोग पुश करके पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारे आइटम है चिकन के। और ये 3 स्पेशल हैं, हांडी चिकन फुल 210, हांडी मटन फुल 310, चिकन लॉलीपॉप फुल 140। तो हम लोग ने लिया है हांडी चिकन फुल 210 का, और साथ में लिया हम लोगों ने तावा रोटी। तो चलिए आता है तो इसको टेस्ट करके बताते हैं। कभी यहाँ ट्राई किए हैं? नहीं ना, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं। बगल में कालिका भी होटल है लेकिन कालिका का होटल का हम लोग यहाँ वाला नहीं ट्राई करेंगे, आजमगढ़ वाले पे ट्राई करेंगे। नहीं एक बार वो जो ओरिजिनल कालिका होटल जहाँ शुरू हुआ वहाँ चलेंगे एक बार, आजमगढ़ वहाँ से ट्राई करेंगे। ऑर्डर चला गया है, ऑर्डर आता है तो फिर आपको दिखा देंगे। तो फाइनल दोस्तों जो हमने हांडी चिकन ऑर्डर किया था अपना रेडी हो गया, आ चुका है, आइए आपको दिखा दें, काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है। और ये देखिए अपना हांडी चिकन दोस्तों, पूरा हांडी में बन के आया है, और ऊपर से ये इसको क्या कहते हैं, दिया ही कहते हैं ना, दिया है ना, ये दिया से पूरा पैक है। और साथ में हमने लिया था रोटी जो कि प्लेट में मिला है, और प्याज मिला है। और आइए इसको खोलते हैं देखते हैं। ये देखिए अभी तक खोल रहा है पूरा, निशान भाई ये देखिए अभी तक खोल रहा है, टेस्ट तो काफी अच्छा आने वाला है भाई, इसी से पता चल रहा है। तो चलिए भैया निकालिए,
भैया निकाल रहे हैं ताकि हम लोग का हाथ ना जले, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म, देख सकते हैं आप खोल लाए कितना। तो भैया निकालेंगे तो काफ़ी सेफ्टी से निकालेंगे। भैया एक मटके में कितना पीस रहता है फुल प्लेट में? चार पीस रहता है। ठीक, ठीक है भैया, अब हम लोग निकाल लेंगे ग्रेवी व्रेवी। ठीक है, ठीक। तो दोस्तों ये अपना निकल गया, सब हो गया भैया साहब। ठीक भैया, सर्व कर दिए और आइए अब इसको टेस्ट करते हैं, इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गर्मा गर्म है और ये ग्रेवी इसका पूरा देख सकते हैं, काफ़ी गाढ़ा ग्रेवी है। आइए इसको टेस्ट करते हैं, इसका टेस्ट देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो दोस्तों आइए हम पहले सिर्फ चिकन को ट्राई करते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट। छूने में काफ़ी सॉफ्ट मुलायम, काफ़ी अच्छी तरीके से ये पक गया है और छूने से एकदम टूट जा रहा है, एकदम सॉफ्ट मुलायम लग रहा है। आइए इसको टेस्ट करते हैं, इसका टेस्ट देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। चिकन तो काफ़ी अच्छे तरीके से पक गया है और जो गरम मसाला डाला गया है ना, पूरा अंदर तक फ्लेवर आ रहा है भाई, पूरा अंदर तक फ्लेवर आ रहा है इसका और काफ़ी सॉफ्ट मुलायम है, बस छूने से टूट जा रहा है। अब इसका ग्रेवी हम लोग ट्राई करते हैं। ग्रेवी में वैसे थोड़ा सा तेल ज़्यादा है लेकिन कोई नहीं, अंदर से हम इसको तेल से बचा के निकालते हैं ग्रेवी थोड़ा सा। ये ग्रेवी हम लोग ट्राई करते हैं और दोस्तों इसमें हरा मिर्च दिख रहा है मुझे, लाल वाला मिर्च नहीं दिखाया अभी तक एक भी, पूरा हरे मिर्च में बनाया गया इसीलिए भाई इतना टेस्टी है और धनिया पत्ता वगैरह सब कुछ डाला गया है। आइए इसको हम टेस्ट करते हैं रोटी से, तवा रोटी से ग्रेवी को टेस्ट करते हैं कि कैसा लग रहा है। भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे घर पर मम्मी वगैरह बनाती हैं लोग ना, एकदम वैसे लग रहा है, एकदम घर का स्वाद आ रहा है इसको खाने में, इसीलिए भाई ये चिकन पूरा काफ़ी ज़्यादा यहाँ का फेमस है। निशान भाई खा रहा है, कैसा लग रहा है टेस्ट आज? टेस्ट सही है, एकदम घर के जैसा लग रहा है ना भाई, जैसे घर पे बनाया जाता है। ये नहीं कि बाहर का है तो खुद ज़्यादा मसाला डाला हो या फिर रेडीमेड मसाला डाल के इसको बनाया हो, रेडीमेड मसाले का प्रयोग नहीं किया गया, एकदम गर्म मसाले में बनाया गया है और आप इसी को समझ सकते हैं कि इसमें रेड वाला मिर्च नहीं डाला गया, ना पाउडर डाला गया, ना खड़ा मिर्च डाला गया है। ये देखिए हरे मिर्च में बनाया गया है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और ग्रेवी देख के लग रहा था हम लोगों को कि भाई कैसा लगेगा कैसा लगेगा, लेकिन काफ़ी टेस्टी लग रहा है इसका ग्रेवी, और चिकन से ज़्यादा अच्छा तो ग्रेवी लग रहा है भाई इसका, इसमें पूरा धनिया पत्ता वगैरह सब कुछ डाला गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, एक नंबर है ये चिकन। और इसका चिकन तो काफ़ी अच्छा है भाई, काफ़ी सॉफ्ट मिला है। दोस्तों चिकन तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी लग रहा है, एकदम घर की तरह लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर सुधार कर दिया इसमें तेल वगैरह कम डाला जाए ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन भाई इतना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है कि उसमें तेल अधिक हो ही जाता है और तेल से ही काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। थोड़ा सा दोस्तों इसमें तेल ज़्यादा है, देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं तेल थोड़ा सा ज़्यादा है, बस इसको थोड़ा सा और कम कर दिया जाना तो और भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग तेल की वजह से ही ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, बस इसी की कमी है, नहीं तेल थोड़ा सा कम कर दिया जाता है इसमें से, तेल काफ़ी ज़्यादा है इसमें। ओवरऑल दोस्तों इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो फाइनली दोस्तों हमने जेके चिकन कॉर्नर का हांडी चिकन ट्राई किया जो कि काफ़ी अच्छा था भाई, काफ़ी टेस्टी था, एकदम घर वाला साथ था। और रोटी हमने लिया था तवा रोटी, लगभग एक रोटी था 5 रुपये, तो हमने चार चार रोटी लिया था, तो लगभग टोटल जो है इसका बिल आया है 250 का। दोस्तों इस टेस्ट के हिसाब से प्राइस इसका बहुत ही कम है दोस्तों, जी दोस्तों इतने प्राइस में इतना अच्छा चिकन मिलना भाई मुमकिन है। लेकिन अगर आप लोग गोरखपुर आएंगे तो अगर आते हैं सिटी मॉल के पास तो जेके चिकन कॉर्नर पे आप लोग ट्राई कर, सिटी मॉल के जस्ट बगल में ही है, बस एक घर है या एक दुकान छोड़ के शोरूम है, सॉरी शोरूम के बगल में ही है, सिटी मॉल के बगल में शोरूम है, शोरूम के बगल में इनका शॉप है। अगर आइएगा गोरखपुर या फिर गोरखपुर से आके एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आप यहाँ के फैन हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा एक बार नीचे कमेंट कीजिए, जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अभी तक अपने भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दिया उसको दबा के ऑल पे क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो ना हो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।